गाइस फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर ने अपने ग्रिपिंग रन टाइम और ग्रिपिंग स्टोरी लाइन की मदद से फैंस को और भी ज्यादा आने वाले एपिसोड्स के लिए यहां पे एक्साइट कर दिया। और इस एंडिंग एपिसोड में हम यहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तीन बुलेट पॉइंट्स को। सबसे पहला बुलेट पॉइंट यहां पे वकांडा की एंट्री, यहां पे दूसरा शेरन कार्टर का ईविल लिंक और तीसरा जॉन वॉकर का एक बार फिर से पावर ब्रोकर के साथ एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन। लेकिन सबसे पहले अगर यहां पे बात करें ना वकांडा की एंट्री की, जो कि एपिसोड 3 में हमें दिखाई दिया जहां पे डोरा मिलाजे का कैमियो हमें देखने को मिलता है, इस वजह से क्योंकि यहां पे जीमो जो है वो आजाद घूम रहे हैं और क्योंकि उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट में यूएन काउंसिल में मारा था टीचका को, तो इसीलिए यहां पे वो डिटेन करने के लिए आए हैं। क्योंकि स्टार्ट में हमें यही देखने को मिलता है कि जब यहां पे सैम और बकी को लीड चाहिए होती है यहां पे सुपर सोल्जर सीरम के रिगार्डिंग, तो वो उसके पास होती है, यानी कि जीमो के पास होती है। और जीमो की जो लीड होती है, जिसके पास है सुपर सोल्जर सीरम की सारी इंफॉर्मेशन होती है, ये सब बताने वाली जो सोर्स होती है जीमो की वो होती है सिबिल, जिसके जरिए ये सब पता चलता है कि विल्फर्ड नेगल ने यहां पे पावर ब्रोकर के कहने पे ये सुपर सोल्जर सीरम जो है रिक्रिएट किया था। तो यहां पे सिबिल को जो है अचानक मारना पड़ता है यहां पे इन तीनों को, क्योंकि यहां पे जो सैम की आइडेंटिटी होती है वो रिवील हो जाती है उनके बहन के कॉल करने की वजह से। और विल्फर्ड का पता लगाने के बाद जब उन्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और यहां पे जीमो जो है गुस्से में उन्हें मार देते हैं क्योंकि वो सुपर सोल्जर्स को या फिर सुपर हीरोज को जो हेट करते हैं, तो यहां पे उसका किस्सा खत्म करने के बाद जो है वो वहां से मैड्रीपुर से भाग जाते हैं। तो ये तीनों चले जाते हैं रीगा, जहां पे उस टाइम पे फ्लैग स्मैशर्स का ग्रुप भी मौजूद होता है, जो कि एक्चुअली में रेफ्यूजीज की मदद करने के लिए जो है बहुत सामान चुराने की तैयारी में होते हैं। और यही नहीं, उनके पास जो बचे कुछ सुपर सोल्जर सीरम के जो डोजेस हैं वो भी होते हैं, जो एक्चुअली में यहां पे उन्होंने पावर ब्रोकर के ग्रिप से चुराए होते हैं। अभी पावर ब्रोकर कौन होता है ये हमें जो है बिल्कुल भी इस एपिसोड में नहीं बताया गया, लेकिन यहां पे जो ही रीगो पहुंचते हैं ये तीनों यहां पे बहाना बनाते हैं बकी की वो घूम कर आना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में उन्हें घूमना नहीं होता है, बल्कि हमें एक शॉकिंग चीज ये पता चलती है कि कीमोयो बीड्स जगह जगह पे यहाँ पे बकी बांस को देखने को मिलती है, रोड पे देखने को मिलते हैं, बिल्डिंग के साइड में बिल्डिंग की दीवारों पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जब फाइनली बकी जो है किसी को आसपास ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें कीमोयो बीड्स यानी कि वकांडन टेक्नोलॉजी वहाँ पे मिलती है, तो वहाँ पे फाइनली उन्हें मिल जाती है डोरा मिलाजे की एक मेंबर, जो कि बिल्कुल हमें सिविल वॉर में नजर आई थी जब यहाँ पे वो नटाशा से कहती है कि तुम हट जाओ डोर के सामने से, यानी कि कार के डोर के सामने से, वरना हटा दी जाओगी। तो ये वही डोरा मिलाजे होती है और यहाँ पे उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्या हो। और इसी के साथ यहाँ पे खत्म हो जाता है फाल्कन एंड विंटर सोल्जर का ये एपिसोड। लेकिन अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ही एपिसोड 4 स्टार्ट होगा, तब यहाँ पे बकी कोशिश करेंगे समझाने की कि किस तरीके से जो वकांडन्स को जो है अभी दखल नहीं देना चाहिए जीमो के मामले में, या फिर जीमो को डिटेन नहीं करना चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे वो पहले सुपर सोल्जर सीरम को ट्रेस करेंगे और उसके बाद जो उन्हें यहाँ पे जीमो के साथ करना है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है कि इस सब के चक्कर में कहीं ना कहीं जीमो जो है ना वो टर्न हो जाए फाल्कन और सैम के ही ऊपर, या फिर वकांडा के ही ऊपर, या वो जिस तरीके से वो मदद कर रहे हैं ना उसी तरीके से वो टर्न हो जाए और कहीं ना कहीं यहाँ पे वो जो है फ्लैग स्मैशर्स या फिर पावर ब्रोकर का साथ देने लग जाए एंड एट द एंड ऑफ द सीरीज। लेकिन हाँ, एक बात जो अभी यहाँ पे इन सारे इवेंट्स को कनेक्ट करती है वो यहाँ पे शेरन कार्टर, इसलिए क्योंकि ये जो मैंने आपको इतनी दास्तान सुनाई ना उसके पीछे एक मकसद था कि यहाँ पे शेरन कार्टर सैम से कहती है कि किस तरीके से यहाँ पे यूएसए ने तो उसे डिसओन कर दिया और अगर वो यहाँ पे यूएसए में वापस जाने की कोशिश करेगी तभी उसे डिटेन कर लिया जाएगा, लेकिन मैडीपुर में वो एक आराम की लाइफ अंडर द रेडार जो है ऑफ द ग्रिड जो है जी रही है। लेकिन क्या ये मैडीपुर में इतना आसान हो सकता है जहां का डॉन या फिर जहां के गुड्डू भैया जो है वो पावर ब्रोकर जैसा इंसान हो, जिसने यहां पे सुपर सोल्जर सीरम को जो है इलीगली यहां पे रिक्रिएट करवाया था। तो कहीं ना कहीं हमें यहां पे कोई ना कोई कनेक्शन जो है शेरन कार्टर के साथ जो है पावर ब्रोकर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पे मैडीपुर से जब बाहर निकलने वाले होते हैं सैम विल्सन और जीमो, तो यहां पे एक लेडी के साथ कार में बैठकर जा रही होती है शेरन कार्टर, जहां पे वो उनसे कहती है कि बहुत बड़ी मेस क्रिएट हो चुकी है, इस मेस का एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और उनके फेस में तब एक अजीब सा एक एक्सप्रेशन होता है जो कि हमें यहाँ पे इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज जो है मैड्रीपुर में रहने के लिए किया है शेरन कार्टर ने का, और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे पावर ब्रोकर के साथ हो सकता है। इसका एक लॉजिकल रीजन ये हो सकता है क्योंकि शील्ड के साथ काम कर चुकी है पास्ट में यहाँ पे शेरन कार्टर और उन्हें काफी सारे सीक्रेट्स के बारे में मालूम है, शील्ड के सीक्रेट्स के बारे में मालूम है, और क्योंकि हाइड्रा के सीक्रेट्स जो है वो पब्लिक हो चुके थे, उन सब सीक्रेट्स को समझने में कहीं ना कहीं यहाँ पे मदद की हो यहाँ पे शेरन कार्टर ने पावर ब्रोकर की, जिसकी मदद से वो सुपर सोल्जर सीरम के फॉर्मूला तक पहुंच पाए हो और उसे फिर रिक्रिएट कर पाए। इसी के साथ लिंक देखने को हम सबको मिल सकता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यू कैप्टन अमेरिका जॉन वॉकर का कैरेक्टर, जिनको सुपर सोल्जर सीरम या तो पहले ही पावर ब्रोकर दे चुके हैं या फिर जिस तरीके से वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इस एपिसोड में कि किस तरीके से यहाँ पे बकी और फाल्कन ने मदद की है जीमो को जेल से भागने में, तो वो वही लीड
ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से अब हम इन दोनों को एक्सपोज करें। यहाँ पे जो लेमर है उनके साथ वो मिलकर यही प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से वो मेडीपुर पहुंचे और यहाँ पे वो जो है सारे सीक्रेट्स को एक्सपोज करें। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे हमें ये देखने को मिल सकता है कि जब जॉन वॉकर की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी या फिर अगर उनका कोई सीक्रेट एजेंडा है यहाँ पे नए कैप्टन अमेरिका के पीछे, तो वो हमें रिवील होता हुआ दिखाई दे सकता है रीगा में या फिर मेडीपुर में, जहाँ पे वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं, या तो उन्हें उनका अलायंस पहले ही पावर ब्रोकर के साथ हो सकता है। क्योंकि किस तरीके से हमें एपिसोड 2 में दिखाया गया था कि यहाँ पे बिना कोई सुपर पावर्स, बिना कोई जो है सुपर सोल्जर सीरम लिए, बिना ही जो है वर्दी है यहाँ पे जॉन वॉकर का कैरेक्टर नए कैप्टन अमेरिका के लिए। लेकिन हो सकता है रियलिटी में ऐसा ना हो, बल्कि सुपर सोल्जर सीरम सीक्रेटली दिया गया हो जॉन वॉकर को, या फिर जो है इस एपिसोड के बाद में अगर उनके पास अभी ये सारी पावर्स नहीं है लेकिन बहुत सारा रिजेक्शन, बहुत सारा हेट मिलने के बाद जो है जब उन्हें पता चलेगा कि जितनी भी डिटेल्स मैंने इकट्ठी की है उन सबका कोई फायदा नहीं है अथॉरिटीज़ को देने का, तो हो सकता है वो एट द एंड ऑफ द डे जो है वो सुपर सोल्जर सीरम का एक और शॉट ले ले। ऐसा कॉमिक्स में भी हो चुका है क्योंकि पावर ब्रोकर जो है डायरेक्टली एसोसिएट है जॉन वॉकर के साथ, जहां पे वो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है सीधा सीधा सुपर सोल्जर सीरम देने में जॉन वॉकर को। तो ऐसा कॉमिक की पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है क्योंकि मेडीपुर भी कॉमिक्स से ही यानी कि वुल्वरीन या फिर एक्समैन से रिलेटेड है, जो कि हमें इस सीरीज में देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं पावर ब्रोकर का कैरेक्टर आने वाले एपिसोड में हमें बहुत ही जल्द रिवील होता हुआ दिखाई दे सकता है। सो गाइज, आपके क्या गैसेस है, कौन एक्चुअली में पावर ब्रोकर हो सकता है, क्या पावर ब्रोकर का रोल हो सकता है, और किस तरीके से आपको ये एपिसोड जो है वो अच्छा लगा बुरा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बी मार्वेलस।